나와 계세요. 다른 마음 있으면 되는 능탕아. 신용 카드랑 내 이동 바뀌시고 뭐 뭐네. 내 안에 이동. 아, 뭐 돌스러워. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वॉचिंग द वॉटर फ्यूजन। आप सभी लोगों को मेरी चैनल पर फिर से स्वागत है। सो बयकूब आम बड़े हर ऐसा खिला मैं बॉयू मजा दूँ। सो आफ्टर 3-4 डेज मैं ये नई ब्लॉग लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये वीडियो ली गई थी फेबररी, जब मैं हस्बैंड को लेकर जा रही थी डिब्रूगढ़ आदित्य हॉस्पिटल में MRI कराने के लिए। एंड क्या क्या हुआ, कहाँ पर हम लोग गए, कैसे क्या कुछ हुआ, आप सब लोग देखते रहिए। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। एम्बुलेंस खराब हो गया हम लोगों का पाँव का MRI कराना था, डिब्रूगढ़ जा रहे थे। एंड देखो कौन सी जगह है, खुआंग बोल की जगह है यहाँ पे। और देखो एम्बुलेंस भी खराब हो गया हम लोगों का। तो फ्रेंड्स हम लोग बीच रास्ते में खुआंग बोल के एक जगह थे, वहाँ पे हम लोग का गाड़ी खराब हो गया था। वहाँ पे रुक के हम लोग, एक और एम्बुलेंस था जहाँ पे जो मतलब डिब्रूगढ़ में ही गया था, तो उसका हम लोग इंतजार कर रहा था। ONGC का ही था, तो फिर वही के हम लोग वेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स फाइनली 15-20 मिनट रुकने के बाद जो एम्बुलेंस आने वाला था, जो दूसरे हॉस्पिटल में गया था डिब्रूगढ़ में, तो वो वाला आ गया और हम लोगों को वहाँ से खुआंग से लेकर चला गया। एंड फाइनली हम लोग आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स में हम लोगों को मतलब आदित्य हॉस्पिटल हम लोग मिल गया। तो लेकिन डिब्रूगढ़ पहुँचने से पहले जो रास्ता मिलता है एंड जो नज़ारा मिलता है, एकदम बहुत ही अच्छा है, बहुत देखने लायक है। एंड दिल बहुत खुश हो गया क्योंकि डिब्रूगढ़ मिलने से पहले जो टी स्टेट वगैरह है, जो ग्रीनरीज है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड को फ्रेश कर देता है। और मौसम भी तब बहुत ही अच्छा था, ना ही ज़्यादा ठंडा था ना ही ज़्यादा गर्मी था। तो आप सब लोग भी देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो को, एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आदित्य हॉस्पिटल पहुँच के MRI रूम के बाहर में हम लोग बैठ रहे थे, तभी मैंने ये क्लिप्स ली थी क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है ना, बहुत लोग थे इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया। सो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और ये वाला जो MRI रूम के अंदर में लिया गया है, उस जो ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उस तरफ है MRI का जो मशीन वगैरह, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सब दिया गया है क्या करना है, कैसे क्या कुछ नहीं पहनना है आपको। और ये रहा जो आदित्य हॉस्पिटल का जो कैंटीन है, वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए हम लोग अंदर आए थे। एंड मानना पड़ेगा बहुत ही क्लीन था, बहुत ही साफ था एंड बहुत ही हाइजेनिक था। तो आप सब लोग आराम से बैठ के चाय वगैरह कुछ खा सकते, स्नैक्स खा सकते। तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी। सो आफ्टर हैविंग आवर कॉफ़ी हम लोग वापस जाने के लिए हम लोग बाहर आ गए। तो ये आदित्य हॉस्पिटल जाने का एंट्रेंस था और हम लोग बाहर आ गए। एंड ये रहा डिब्रूगढ़ का टाउन। सो आप सब लोगों को थोड़ी सी झलक में दिखाती जाऊंगी। एंड डिब्रूगढ़ के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो देखते रहिए, बनते रहिए मेरी वीडियो को, कीप वॉचिंग टिल द एंड।
एंड फ्रेंड्स तो फाइनली जाते जाते हम लोग पहुँच गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन में, जहाँ पे हम लोग खाना खाने वाले हैं, डिनर करने वाले हैं। तो ये रहा द नागा किचन। एंड जो कोई इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं हेरिटेज नागा किचन में, उनको पता ही होगा कि ये डिब्रूगढ़ के बाद और फिर जो मोरान है उसके बीच में पड़ता है ये वाली हेरिटेज नागा किचन। इट्स नियर एसर पेट्रोल पंप विच इज़ इन NH 37। सो बहुत ही अच्छा सा माहौल था, बहुत ही इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। एंड जो मेन्यू था वो आप सब लोग देख ही रहे, बहुत ही अच्छा था। और हम सब लोग क्या खा रहे आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। हम लोगों ने ऑर्डर किया था Yes, नागा थाली। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टाइम आई एम हैविंग दिस नागा थाली। सो हम तीनों ने, जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, मेरे हस्बैंड और हम तीनों ने लिया था नागा थाली। और उसके पहले मैंने ली थी पोर्क मंचाओ सूप, लेकिन हस्बैंड और फिर वो जो ड्राइवर था वो लोग ऊपर गए थे बार में कुछ थोड़ा सा ड्रिंक्स लेने के लिए, और मैं अकेली मंचाओ सूप एंजॉय कर रही थी। सो आप सब लोग भी एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल से आने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे नागा किचन में आए हैं, हाईवे के पास में है। सो एंजॉय करते हैं, आपको दिखाती हूँ थाली मैंने ऑर्डर दे दिया है नागा थाली। सो लेट्स ट्राई दिस नागा थाली। एंड मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा था। एंड वैलेंटाइंस डे भी आ रहा था, तो फिर इसके वजह से जो सजावट थी उसकी वजह से हुआ था शायद। एंड फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, बर्थडे पार्टी करने के लिए बहुत ही अच्छा सा प्लेस है। आप सब लोगों ने विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड ये रहा मेरा मंचाओ सूप आ गया फाइनली, एंड मैं कर रही हूँ एंजॉय बहुत ही। सो दिस इज़, मानना पड़ेगा बहुत ही टेस्टी था ये मंचाओ सूप। आप सब लोग भी आके खाइए, वेज हो या फिर नॉन वेज हो, बहुत ही अच्छा है। एंड नागा थाली तो श्योरली आई रेकमेंड दिस। ओके, सो आप सब लोग भी एंजॉय कीजिए। सो थोड़ी देर के बाद हम लोगों का डिनर आ ही गया नागा थाली। एंड हस्बैंड यहाँ कुछ बोल रहे थे जिसकी वजह से मैं हंस पड़ी। एंड वो कह रहे थे और नहीं है क्या, और नहीं है क्या, और नहीं है क्या। तो फिर वो वेटर जो है जो हम लोग को सर्व कर रहे थे वो दे ही रहा था। और मैं सोच रही थी मैं कौन किस डिश से स्टार्ट करूँ, लेकिन फाइनली मैंने सब कुछ चट कर लिया क्योंकि इतनी अच्छे से बनाया, इतने प्यार से बनाया। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग दिस नागा थाली, तो फिर खाना तो पड़ेगा ही ना। एंड हस्बैंड तो दो बार और राइस ले लिया, मेरा तो हो ही गया था और पेट भर के गया था। एंड ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर वन मंथ पार हुआ था, तो फिर इसी वजह से। एंड ये रहा हम लोगों का डिनर। सो देखते रहिए। चलो नागा भी हार जाएगा मुझसे। রুমত হাইট জ্বলা মই খাম।
हो चुका है फ्रेंड्स, नाना थाली खाया एंड आप सब लोगों के साथ शेयर भी किया, तो अच्छा लगा, टेस्टी था। अभी हम लोग चलते हैं घर शिव सागर में, सो लेट्स गो।